बोले बोलो गोल्डी वाले बाबा की जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है खबर 40 में। मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में इंदर डुडवानी जी हैं, हरी भाई हैं, अम्मा जी हैं जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, अमर गिदवानी जी हैं, भरत भाई हैं। हरी भाई, किस तरीके का ये गुदड़ी वाला जो धाम का स्थापना हुआ है और क्या खासियत है कि जिसकी वजह से सब जनता को आशीर्वाद यहाँ से मिलता है? गुदड़ी धाम देवपुरी की स्थापना लगभग 30 वर्ष पूर्व संत बाबा गेलाराम साहब जी के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से हुआ था। बाबा गेलाराम साहब संत बाबा गोदड़ी वाला के परम शिष्य थे और अपने गुरु का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के कई विभिन्न शहरों में आश्रमों को स्थापना करवाई, जिसमें कि हमारा सौभाग्य कि उन्होंने देवपुरी स्थल को चुना और बाबा गेलाराम जी ने यहाँ गोदड़ी धाम की स्थापना की। गुदड़ी धाम की स्थापना के पीछे संत बाबा गेलाराम जी का एक उद्देश्य था कि मनुष्य जीवन को परमात्मा से मिलाने के लिए एक सेवा सर्वोत्तम अच्छा माध्यम है। वो हमेशा कहते थे कि आप सेवा करिए, सेवा कार्य करिए, तभी आपको परमेश्वर प्राप्त होगा। तो उन्होंने यहाँ आध्यात्मिक के साथ ही साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी अपनी वचनबद्धता दिखाई और यहाँ पर निशुल्क स्कूल चलवा रहे हैं, निशुल्क दवाखाने चलवा रहे हैं, अन्न वितरण के कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिवर्ष यहाँ सामूहिक विवाहों का आयोजन हो रहा है जिससे कि समाज के खर्चीले आडंबर से मुक्ति मिल सके। इस तरह के उन्होंने समाज कार्यों में विशेष ध्यान दिया और उन्होंने यही हमें सिखाया कि मानव सेवा ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम अच्छा है साधन है। तो यहाँ पे स्कूल भी चलता है और जी हाँ स्कूल भी चलता है और प्राइमरी स्कूल यहाँ विगत 10 वर्षों से चल रहा है, दवाखाना भी चल रहा है, दवाखाना भी चल रहा है 15 वर्षों से। क्या आपको लगता है कि क्या किसके प्रकल्प में जाने वाले हैं सेवा के? सेवा कार्य इतने हैं, सामाजिक सेवा कार्य इतने हैं जितने कम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा किए जा सकते हैं। तो जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे यहाँ कई ऐसे निर्धन आते हैं अम्मा जी के पास जो असहाय हैं, बेचारे गरीब हैं जिन्हें अन्न की ज़रूरत है या दवाइयों की ज़रूरत है, तो यहाँ से करीब करीब सबकी पूर्ति होती है। अम्मा जी उन्हें हमेशा कहते हैं सहयोग करती रहती हैं, उनका साथ निभाती रहती हैं। तो इस तरह की सामाजिक जो भी आवश्यकताएं होती हैं ये आश्रम के माध्यम से हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोगों का एक स्वप्न है कि यहाँ कोई अच्छी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की जाए। उसमें समय लग सकता है पर हम लोगों के सभी सेवादारियों की एक भावना है कि यहाँ एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण हो सके। बाबा जी का आशीर्वाद रहा तो उसमें भी हम लोग सफल हो जाएंगे। अम्मा जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे से सेवा कार्य हो रहे हैं, बाबा के आशीर्वाद से ये वो इनका आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे हम सभी लोगों को एक बार आशीर्वाद और बाबा की रहमत, बाबा की सबके ऊपर आशीर्वाद है और रहेगी। बहुत अच्छा है कि आप सब जब कभी रायपुर आए तो यहाँ गुदड़ी वाला धाम जरूर आए आप यहाँ पे। यहाँ पर आपने सब देखा कि किस तरीके से समाज सेवा का जो भावना होती है उस समाज सेवा के साथ में धार्मिक और आत्मिक दोनों शांति आप सबको यहाँ पर मिलेगी। एक बार फिर से बोलिए बोलिए जय।